मैं मीना प्रवेश चौहान आपका स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल कविता संग्रह में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जीवित पुत्री का व्रत पूजा की सामग्री के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का कलश लेकर उसमें थोड़ी सी मिट्टी डालकर कूशा उसमें लगा लें। ये जीवित वाहन का प्रतिरूप तैयार हो गया है। एक जल का लोटा और फूल माला अवश्य लें। यदि आप घर पर पूजा करें तो कलश में आम के पत्ते डालें। कलश में पानी भरकर उसमें सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठे आदि उसमें डाल दें। कलश के चारों तरफ रोली अवश्य बांधें। अब कलश पर एक चावल से भरा हुआ पात्र रखें। अब चील और सियारन के लिए पीला सिंदूर लें और एक जीतिया माला भी लें, या फिर आप मौली से घर पर भी जीतिया माला बना सकते हैं। जीवित पुत्री का व्रत पूजा में चील और सियारन की स्थापना करना भी बहुत जरूरी होता है। अब एक मिट्टी से बना हुआ दीपक लें और माचिस भी लें दीपक को प्रज्वलित करने के लिए, और एक रक्षा सूत्र भी अवश्य लें। जीवित पुत्री का व्रत अपने पुत्रों की लंबी आयु के लिए किया जाता है, इसीलिए इस व्रत को पूरे विधि विधान से और पूरी सामग्री के साथ सम्पन्न करें। दो सुपारी अवश्य लें। इन्हें हम चील और सियारन के प्रतीक के रूप में पान के पत्ते पर स्थापित करेंगे। पूजा के लिए थोड़े से अक्षत यानी कि चावल अवश्य लें। भोग सामग्री में हम चीनी के लड्डू या फिर सफेद मिठाई भी ले सकते हैं। हर पूजा विधि में भोग के लिए फलों का विशेष महत्व है, इसलिए फल जरूर लें। चील और सियारन के लिए हमें वस्त्र भी अवश्य लेने चाहिए। वस्त्र में आप एक साड़ी ले सकते हैं और श्रृंगार का सामान भी लेना चाहिए। श्रृंगार के सामान में आप बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, मेहंदी आदि ले सकते हैं। ये थी जीवित पुत्री का व्रत पूजा सामग्री की पूरी सूची। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।